बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं हूँ काजल एंड मैं हूँ अभिजीत एंड हम रहते हैं पोलैंड में, यूरोप में, एंड हम बनाते हैं वीडियोस ऑन लाइफ इन पोलैंड एंड ट्रैवल वीडियोस। एंड आप हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख के गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं, एंड हम हैं न्यूयॉर्क ऑफ यूरोप, वॉरसॉ में। सो हम आए हैं एक दिन के लिए फैमिली के साथ, मेरी मॉम को वॉरसॉ घुमाने के लिए, एंड हम यहाँ पे वन नाइट स्टे करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक टू क्रैकोव। एंड हम यहाँ पर आए हैं विद फ्लिक्स बस, एंड द बस वॉज वेरी स्मूथ। हाँ, लेकिन ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, बट इट वॉज वेरी नाइस एंड क्विकली। कम लेट मी गिव यू अ होम टूर। तो ये वाला एयरबीएनबी हमने बुक किया है वॉरसॉ में, जो कि सिटी सेंटर के काफ़ी ज़्यादा पास में है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि आज जो हम जहाँ पर रह रहे हैं वो कैसा है। सो कम। सो ये अगर आप देखोगे तो इट्स अ 2 BHK अपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, जिसमें 2 रूम्स है एंड 1 वॉशरूम है। एंड ये इतना बड़ा हॉल है, तो आप देखोगे तो पूरा का पूरा किचन जो है हमारा वो विद इक्विपमेंट्स है, एंड सारा सामान उन्होंने दिया हुआ है, फ्रॉम प्लेट्स एंड डिश वॉशर भी है यहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छा डाइनिंग टेबल भी है। एंड एक चीज़ मुझे ये घर की अच्छी लगी कि जैसे हम लोग एंटर हुए ना, उन्होंने बहुत अच्छे से सब मैनेज करके दिया हुआ है, फ्रॉम बेडिंग टू, जैसे एक रूम में हमारा सोफ़ा कम बेड है तो उन्होंने प्रॉपर उसे बेड बना के दिया है, बिकॉज वी आर 3 पीपल एज़ यू नो कि हम लोग यहाँ पे मम्मी के साथ है। सो येस, सो ये पूरा इतना बड़ा स्पेस है, एंड यू ऑल्सो हैव अ TV, एंड ये सोफ़ा कम बेड भी अवेलेबल है, बट बिकॉज हमने 3 जन का किया है तो उन्होंने 3 जन के हिसाब से प्रिपेयर करके दिया है। सो येस, एंड इसमें हमको नेटफ्लिक्स भी हम लोग चला सकते हैं। तो येस, एंड ये समर्स में द ब्यूटिफुल थिंग जो हम देखते हैं हमेशा की हो इज़ द AC। तो ये AC वाला फ्लैट हमने बुक किया है। कॉस्टिंग एंड जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मिल जाएगा, बट मैं बाकी 2 रूम्स दिखाती हूँ। कमिंग टू द फर्स्ट रूम, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने कबर्ड दिया हुआ है, एंड बेड पे जैसे मैं आपको बता रही थी सब अच्छे से तैयार करके दिया हुआ है, तो दे हैव केप्ट दी टॉवल्स एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी है, छोटू सा है बट इट विल गेट द वर्क डन। एंड यहाँ पे अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे उन्होंने ये भी चेयर भी दी हुई है ताकि फॉर यू टू फिट, तो ये भी एक अच्छा है। एंड एक लॉन्ग साइज मिरर है। एंड एक और चीज़ है ना कि हर रूम में और हर जगह बहुत विंडोज़ है, तो बहुत अच्छी लाइटिंग्स आ रही है, एंड हमने इतनी लाइटिंग की भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा लाइटिंग है पूरे घर में। एंड आप देखोगे पूरा सिटी व्यू, एंड जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग सिटी सेंटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो अगर आप देखोगे तो ये सारे ऑफिसेज और सब कुछ पूरा सिटी सेंटर का एरिया है। ये हम लोग आते वक्त पूरा पैलेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स का पूरा देखते हुए ही आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाजू में है। कमिंग टू द सेकेंड रूम, जो कि ये है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस, एंड हमने 3 जन के लिए बुक किया था तो इसीलिए उन्होंने ये जो सोफ़ा कम बेड है वो प्रिपेयर करके दिया है। सबसे बेस्ट यहाँ पे एक बैल्कनी भी है, एक विंडो तो है ही बट इतनी अमेजिंग सी बैल्कनी भी है। तो चलो पहले बैल्कनी दिखाती हूँ मैम। एंड यू हैव दिस ब्यूटिफुल व्यू ऑफ दिस लॉन्ग बिग बिल्डिंग्स, जिसके लिए वॉरसॉ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड जो आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलता है इफ़ यू आर फ्रॉम क्रैकोव या एनी अदर यूरोपियन सिटी। आपको लग रहा होगा अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो बड़ी बिल्डिंग्स ही तो है, बट यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है। वॉरसॉ इज़ कॉल्ड एज द न्यूयॉर्क ऑफ यूरोप, तो इसीलिए काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ना हम लोग काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं। सो येस, चलो अभी अंदर चलते हैं बिकॉज बहुत गर्मी है। एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो डिटेल्स किए हुए हैं मिरर का। मैं 2 मिनट के लिए बाहर से अंदर आई हूँ, एंड अभी वो AC का इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज बाहर इतनी गर्मी है। सो दिस इज़ द वॉशरूम, एंड वॉशरूम देख के आपको लगेगा कि ये एक और रूम है, एंड आई एम नॉट किडिंग। कम जस्ट लुक एट दिस वॉशरूम, क्या है ये। एंड ये देखो कितना बड़ा सा वॉशरूम है। देयर इज़ 1 बेसिन, एंड यू कैन सी अभिजीत इन द कैमरा रिकॉर्डिंग। एंड येस, उन्होंने सारी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है लाइक हैंड वॉश एंड सोप्स एवरीथिंग दिए हुए हैं। काफ़ी Airbnbs नहीं भी देते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, बट येस आपको ये लोग ने दिए हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो ओवरऑल आई विल रेट दिस प्रॉपर्टी 9 out of 10। ऑफकोर्स जिसके साथ यहाँ आए हैं, जिसको दिखाने आए हैं, उनको तो पूछना पड़ेगा कि कैसा लगा ये प्रॉपर्टी। तो मम्मी कैसा लगा Airbnb? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। वॉरसॉ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक
नया ही फीलिंग है, बहुत अच्छा, यूरोप से थोड़ा अलग। यस तो अब आपने हमारा रूम टूर तो देख ही लिया, सो अब चलते हैं हमारा पहला लोकेशन पे। बट उसके पहले बहुत भूख लगी है तो कुछ खाते हैं जाके। एंड व्हाट्स बेटर देन इंडियन चाट, बिकॉज अगर हम वॉर्सो आए हैं तो आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, तो वो उसमें आपने देखा होगा कि हमको दिल्ली 6 का खाना कितना पसंद आया था। तो अब वही चलते हैं एंड कुछ अच्छा सा यम्मी सा खाते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया चाट खाए, तो जाके इंडियन चाट खाते हैं। तो लेट्स गो एंड सी यू देयर। मम्मी ऑल रेडी? बस 5 मिनट दो, रेडी हो जाती हूँ। खाना वाना खा के हम आ गए हमारे पहले स्पॉट, जो कि है पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे रात को गए थे पिछली बार एंड ठंड में गए थे, तो आज हम जा रहे हैं गर्मी में एंड ड्यूरिंग द सनसेट टाइम, सनसेट से थोड़ा पहले, तो इतना धूप नहीं है, तो जाके देखते हैं कि व्यूज़ कैसा है। एंड यस, मम्मी को भी दिखाते हैं कि हाउ इट इज़। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया है कि जो टिकट की लाइन है वो ये है, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन टिकट है तो आपको ये लाइन में नहीं लगना है, आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। जो ऑनलाइन टिकट की लाइन लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। हमारा एडवाइस वही रहेगा कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करें, बिकॉज आप देख सकते हो कि लाइन कितनी बड़ी होती है यहाँ पे। तो अभिजीत ने ऑनलाइन टिकट बुक कर दी है एंड कितने की पड़ी अभिजीत? 25 PLN की। तो अभी हम लोग इस लाइन में नहीं लग के सीधा हम लोग एंटर करेंगे टू दी लिफ्ट एरिया। सो लेट्स गो। मम्मी रेडी? चलो, बिकॉज समर्स चालू है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बिलीव नहीं करोगे। तो जो लाइन मैं आपको बता रही थी फॉर टिकट कलेक्शन, उतनी ही बड़ी लाइन है टू गो इनसाइड। तो अगर आप सोचिए, अगर आप उस लाइन में लगेंगे तो पहले उस लाइन में लगनी पड़ेगी, फिर इस लाइन में टू गो इनसाइड। सो वी रिकमेंड कि आप ऑनलाइन बुक करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ है ड्यूरिंग दी समर्स। एंड मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे टिकट बुक करनी है तो यहाँ पे एक बारकोड भी है जो आप स्कैन करके एंड फिर टिकट बुक कर सकते हो। एंड यहाँ का टाइमिंग जो है वो 10 to 10:30 है। हम आ गए हैं अंदर लिफ्ट एरिया के यहाँ पे एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, टिकट जल्दी से स्कैन करते हैं एंड लिफ्ट में चलते हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर एंड यू वोंट बिलीव द व्यूज़, कम लेट्स सी। एंड इसका व्यू कितना अलग है जब रात नहीं हुआ है। एंड अगर आपको हमारे रात वाले के वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो बहुत ही अलग दिखता है क्योंकि पूरा का पूरा लाइट अप हो जाता है। बट स्टिल दिस व्यू विद दिस सनसेट, सीरियसली इतना मेजमराइजिंग व्यू है ना। पूरा जो सिटी सेंटर है उसमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एंड दूर में आप देखोगे तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स है एंड वो पूरा लैंडस्केप जो हम बोलते हैं ना न्यूयॉर्क वाला, वो पूरा फीलिंग देता है। नीचे ट्रैम्स दिख रहे हैं एंड सुपर कार्स दिख रही है एंड लिटरली टू गुड। तो मम्मी कैसा लगा ये? बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा है और एक यूनिक है और हिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत सुन बहुत बोला तो बहुत अमेजिंग पन मज़ा आ रहा है बहुत। चलो चलो, ये तो शुरुआत है, अभी तो आने वाली ट्रिप भी है। यस यस, मम्मी को तो काफ़ी अच्छा लगा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ इधर आने के बाद में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मम्मी को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं एंड जाते हैं सिटी सेंटर, क्योंकि वॉर्सो का भी सिटी सेंटर काफ़ी अच्छा बड़ा सा है, तो पहले मम्मी को वो दिखाते हैं एंड देन फिर डिनर करेंगे। एंड हमारे दोस्त भी हमको मिल रहे हैं, तो मम्मी ऑलरेडी मेरी दोस्त को जानती है एंड आप लोग भी मिल चुके हो अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा तो। तो वहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए एंड सब अच्छे से प्लान्ड है। सो लेट्स गो एंड लेट्स, अभी जाते हैं वापस से लिफ्ट लेते हैं नीचे जाने के लिए। यस, चलो। लिटरली ना कान बंद हो गए वापस उतरते वक्त।
लिफ्ट बहुत फास्ट चलती है एक्चुअली। हाँ, तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं एंड हम जा रहे हैं इंडिया बाज़ार। अब वो क्यों जा रहे हैं वो हम दो मिनट में बताते हैं, बट हम इससे पहले जब यहाँ पे आए थे तब हम पहले इंडिया बाज़ार ही गए थे फॉर समथिंग एंड टू शूट एज वेल, तो उसका हम वीडियो अलग से देखेंगे। एंड अगर वो ऑलरेडी लाइव हो चुका होगा तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी ताकि आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड यस, अभी जाते हैं, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के लिए हमने कुछ मंगवाया था उनके पास से, उसी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। सो यस, आपको बताते हैं। एंड पैलेस के यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गार्डन है एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोग्राफी एंड सब करते हुए दिखेंगे। अगर आपने हमारा प्राग वाला ब्लॉग देखा है तो आपको मालूम है कि ये जो डांसिंग हाउस है उसकी तरह दिखता है ये थोड़ा थोड़ा, तो ये वॉर्सो में भी है। तो ले लिया है हमने जो हम लेने आए थे यहाँ पे। एंड जस्ट टू लेट यू नो, हम यहाँ पे गणपति जी लेने आए थे एंड यस, हम यहाँ पे आए थे शूट करने एंड हमको गणपति जी काफ़ी पसंद आ गए थे तो हमने यहाँ पे लेके जा रहे हैं। इफ़ यू डोंट नो, हम लोग हर साल गणपति जी लाते हैं क्रैकोव में, इस बार भी लाएंगे। तो हमने जस्ट गणपति जी यहाँ से लिया है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया है, तो अब चलते हैं एंड हम लोग हम जाते हैं टू मीट आवर फ्रेंड्स मयूरी है नाम में, तो वो लोग हमको रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं तो हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। तो बट सो एक्साइटेड, गणपति जी फाइनली आ गए। तो जस्ट अभी हमारा डिनर हुआ है एंड हम लोग ने आज डिनर किया इंडिया गेट में, आप ये फुटेज देख लेना एंड क्या क्या खाया हमने वो भी देख लेना एंड विल पुट ऑल दी प्राइसेस एंड क्या हमने खाया और कैसा था वो सारी चीज़ें विल पुट हियर इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्राइसेस के साथ। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज बहुत टाइम बाद मैं मयूरी को भी मिले हम लोग एंड काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। टू जस्ट लेट यू नो, कल हम उनके इधर ही जा रहे हैं तो और भी टाइम मज़ा आने वाला है। बट येस, यहाँ पे हम डे को कॉल करते हैं एंड मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।